नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24। मैं हूं आपके साथ चंदन चौबे। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के धोपघट्टी में, जहां पर काफ़ी लोगों ने अनशन किया हुआ है। आइए जानते हैं कि अनशन करने की वजह क्या है, क्यों इन्होंने अनशन को अंजाम दिया है। आइए बात करते हैं, क्या हुआ है भाई, किस बात के लिए आप लोग? देखिए, मेरा नाम पवन कुमार है। हम लोग का ज़मीन यहाँ पे था और ये एक श्री राम कंस्ट्रक्शन है, जो कि किसी का ज़मीन किसी दूसरे आदमी से लिखवा लिया जा रहा है। मेरा भी ज़मीन था जो किसी और से लिखवा करके, और ज़बरदस्ती इस पे रास्ता बनाया जा रहा है। किस मतलब कैसे मैं मानूँ कि ये किसी और का ज़मीन और किसी और को लिखवा? मेरे पास प्रूफ है सारा घर ज़मीन। ये देखिए, मेरे ज़मीन का कागजात है, जो कि 1978 में रजिस्ट्री हो किया गया मेरे दादाजी के नाम से। और जो थाना में बोला जा रहा था कि हमको समझ में आया, तो इसको हिंदी कराए हैं हम लोग। और ज़मीन का ये SDO साहब के यहाँ से 44 का जो नोटिस आया है, वो भी कर दिया गया है, लेकिन थाना कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। DSP सब के यहाँ हम आवेदन दे दिए हम लोग, कोई सुन नहीं रहा है किसी का बात। और हमसे कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को थाना में बोला जा रहा है कि अगर ज़्यादा हीरो बनेगा तो किसी एक केस डाल करके अंदर तुम भेज दिया जाएगा। आप लोग के साथ कुछ किया भी क्या, मारपीट वगैरह? हाँ, अभी तो चंदन राजीव रंजन जी, मतलब कि मेरे साथ, मतलब कि राजीव रंजन को कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर है, उतना तो नहीं जानते हैं, बाकी जमीन रजिस्ट्री उन्हीं के नाम से है। और इनके पवन जी, आपका जमीन किसने लिखवाया? यहाँ पे जितेंद्र कुमार है, और श्याम कुमार राय और विकास राय और अनर्षा देवी, राजदेव राय वगैरह सब बहुत सारा है, इतना अभी लिस्ट नहीं है मेरे पास जो ये लोग लिख दिए हैं। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन यही करेंगे कि हम लोग को न्याय चाहिए, और जमीन हम लोग खाली करवाएं। हम लोग को जमीन खेती करने की अलग जमीन नहीं है, हम लोग को इतना ही जमीन है, हम लोग नहीं दे पाए। इतना ही जमीन है जबरदस्ती लिखवाया गया, आप चाहते हैं कि? हाँ, हम ये खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग अलग जमीन नहीं है, इसीलिए हम लोग को खेती खाली चाहिए। पूरे गांव का करो से क्या, आप सब लोगों के साथ ऐसा हुआ? हाँ, सब लोग का बहुत सारा, किसी का जमीन किसे लिखवा लिया जा रहा है। तो क्या आप लोग इस पे कुछ मतलब नहीं कर रहे हैं कहीं से, प्रशासन से कोई सेवा नहीं जा रहा है? हमको बोला गया, एक दिन हमें बोला गया कि पवन कुमार अगर ज्यादा हीरो बनेगा तो तुमको चुटकी मसल देंगे, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। राजीव रंजन जो श्री राम कंस्ट्रक्शन का प्रोप्राइटर है, बोला कि चुटकी मसल देंगे, तुमसे मेरा कुछ भी करने वाला नहीं है, तो अंदर अपना काम करो, जहाँ जा। आपने उन्हें बताया नहीं कि ये जमीन आपका है? और हम बोले लगे, सुनो, हम किसे लिखवा लिया तुम, हमें बोला जा तो पैसा मिला जमीन? नहीं, ऐसा कुछ बात, हमसे कोई बात नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला। हमको बोला गया कि तुम्हारा पटदारी का जमीन है, उसे लिखवा लिए, तुमको जमीन साबित की तुम्हारा साबित करने में तुमको 30 साल लग जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमने बोलते, इसीलिए हम लोग उसके बाद हम उसने काम छोड़ दिया, और कोर्ट के माध्यम से हम लोग 44 लाख का किया गया। तो थाना नहीं सुना, इसलिए लगा हुआ है। तो मतलब उसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हुआ? प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं है, रोज दौड़ते गोर में सगा के चमड़ा पोरा हो गया। तो कल SDO साहब के यहाँ गए, तो उनका मुंशी बोला कि देखिए पवन जी, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए वहाँ पर धरना दीजिए, उसके बाद थाना जाएंगे तो 44 लाख पेपर दिखाएगा, उसका काम आगे कार्यक्रम किया जाएगा। थाना आया, अभी थाना आया, थाना को समझाया, थाना अपना वापस चला गया। अभी वो राजीव रंजन जो प्रोवाइडर, हम थोड़ा चल कुछ सामान किलो खाने के लिए, नहीं तो हम पानी लाने चले गए थे कुछ बिस्किट खाने के लाने के लिए यहाँ पे, तो हम नहीं थे, तो हम आया डायरेक्ट और एंडेवर गाड़ी लेकर के, और बोला कि सबको रोते चलो, ऐसे सब हटाओ। और मेरे भाई है जिनको हाथापाई किया गया मारपीट करने का, और हुआ मेरे भाई चंद्र भाई। क्या हुआ आपके साथ बताइए? मैंने यहाँ पे बैठे हुए थे, उसके बाद वे चार चक्का से आए और बोले कि ये सब हटाओ, तो मैंने बोला कि अभी नहीं हटेगा, तो बोले कि पेपर दिखाओ, तो मैंने बोले कि पेपर लेके आ रहा है, से आपको पेपर पेश किया जा रहा है, और उसके बाद बोले कि हटाओ, मारा गया आपको। और उसके बाद हाथ धक के मेरे को ऐंट दिए, और गाड़ी में बैठा के ले चलो इसको साले को। बाउंसर लाए हुए, 15 से 20 आदमी बदमाश जैसा, वो बाउंसर लाए हुए हैं यहाँ तक के आदमी, और किसी का कोई सुन नहीं रहा है। अब बोला कि हीरो ज्यादा मत बनो, तो तू लोग का घर, वो हमें बोला जा रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, घर से उठा लेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दस्तावेजों के मुताबिक ये जमीन पवन जी का है, और इनसे जबरदस्ती मतलब लिखवाया गया है, और इन्होंने ज़मीन नहीं लिखा है, इनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती दावा पेश किया जा रहा है कि ज़मीन इनका नहीं है, उनका है। और इस तरीके की बात जो सामने आ रही है, जो कोर्ट से भी आदेश मिला है, और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, प्रशासन भी इस पर मुख दर्शक बनी हुई है। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, देखते रहें न्यूज़ प्लस 24। नमस्कार।